हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू ई ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम स्टडी करते हैं कि किस वजह से जो चार्जेस हैं वो वायर के अंदर फ्लो करते हैं। ठीक है, चार्जेस जो हैं वो किसी वायर में से इटसेल्फ फ्लो नहीं करते। जैसे कि आप वाटर लिक्विड का फ्लो देख सकते हो कि वो अपने आप नहीं होता। अगर कोई आपने क्या ली, वो एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक ट्यूब ली, क्या वाटर उस ट्यूब में से डायरेक्टली फ्लो होता है? कभी नहीं होता। ठीक है, वो किस वजह से फ्लो होता है? जैसे अगर आप क्या करते हो, उस ट्यूब का एक एंड को एक बकेट से अटैच कर देते हो जहाँ पे उसका वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और उसके दूसरे एंड को एक और बकेट से कनेक्ट किया जहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है वो कम है। अब अगर हमने यहाँ से क्या किया, ये वाल्व को रिमूव कर दिया, जब हम इस वाल्व को रिमूव करते हैं तो क्या है, वाटर फ्लो करेगा। वाटर कैसे फ्लो करेगा? जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से कहाँ जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, एक बॉडी है एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, अदर बॉडी एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पे हीट, यहाँ पे क्या है, हीट का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होगा? फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। जो बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पे है वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। सिमिलरली किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास अगर हम कोई वायर लेते हैं उसमें भी क्या है, करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, इस करंट के फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल में जो हमारे पास डिफरेंस है, इनकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। इसके लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एक चार्ज। हमने एक चार्ज कंसीडर किया, Q1 चार्ज है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस किस एरिए तक है। ठीक है, यहाँ तक फॉर एग्जांपल इस चार्ज का क्या है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हमने एक और चार्ज कंसीडर किया, क्यू चार्ज, जो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी इन द सेंस कि जहाँ पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस है, वो हमने प्लेस ले लिया कि ये इन्फिनिटी है। वहाँ पे एक और चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और ये भी क्या है, पॉजिटिव प्लस Q1। ठीक है, वी नो डैट द पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को, जो चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, वहाँ से कहाँ पे लेके आना है, इस यहाँ पे पॉइंट पे लेके आना है, ए पॉइंट कहाँ है, इस Q1 एरिया के अंदर है। ठीक है, Q1 चार्ज का जहाँ तक इन्फ्लुएंस है उसके अंडर है। अब अगर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेके आना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो इधर लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किसको? एक पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ पे लेके आने के लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आने के लिए। ठीक है, तो डैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। कि कितना वर्क लगता है किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने में। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसका फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होगा, हमारे पास डेफिनेशन से। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होती है, कितना वर्क डन लगता है एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे। तो चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क डन लगा, डैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। ठीक है, वर्क डन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी गेट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स कि दो क्वांटिटीज के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं पोटेंशियल का। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ चार्ज। ठीक है, हमने कंसीडर किया एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इस चार्ज का इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, और इस चार्ज के जो जहाँ तक इन्फ्लुएंस है उसमें हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, अब
यहाँ पे भी एक चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इन दोनों पॉइंट के बीच में, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क लगा इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में, डैट इज़ क्या है ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बिटवीन टू पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना वर्क लगा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में जितना क्या लगता है हमारे पास वर्क डन लगता है, वो क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव करेंगे हम, उसकी डेफिनेशन से। अब पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स कि अंतर है, किसका अंतर है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है, या दो पॉइंट्स के बीच में के पोटेंशियल में, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल में वी ए और वी बी। अब डिफरेंस है तो डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, किसका डिफरेंस है पोटेंशियल का, पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने में कितना क्या लगा वर्क लगा, ठीक है। चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाने में जितना वर्क डन लगा, डैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर। अब पोटेंशियल को हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्टमीटर से, किससे वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इज अ जो वोल्टमीटर होता है हमारे पास इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, रेजिस्टेंस अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। वोल्टमीटर का सिंबल क्या होता है, विद इन अ सर्कल वी और सेपरेटेड बाय हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट मीन्स हम पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं, तो एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होती है वन वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय वी, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ऑफ द अलेक्जेंडर वोल्टा, ठीक है। इनके नेम से हमारे पास क्या आया यहाँ पे वोल्ट। अब हमने क्या करना है, इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है इसको डिफाइन करना है, मीन्स वन वोल्ट को हमने डिफाइन करना है। तो लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी, अगर हमें किसी की भी डेफिनेशन को, डेफिनेशन बतानी है किसी भी यूनिट की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो डैट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, सो रिप्लेस वी बाय इट्स यूनिट, ठीक है। इन क्वांटिटीज़ को इनकी यूनिट से क्या करो, रिप्लेस करो। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वन वोल्ट, यूनिट ऑफ वर्क डन इज वन जूल, यूनिट ऑफ चार्ज इज वन कूलम, वन वी इज इक्वल टू वन जे अपॉन वन सी, मीन्स दिस आर इन शॉर्टकट, ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हमने इसकी वन वोल्ट की बतानी है, तो क्या बताएंगे, फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन पोटेंशियल की क्या थी, कि हमें एक चार्ज को मूव करवाना है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, तो कितना वर्क डन लगता है, ठीक है। एक चार्ज को मूव करवाने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, डैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारे पास अब हमने क्या लेना है, चार्ज कितना लेना है वन कूलम, वर्क कितना डन होगा वन जूल, तो पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा हमारे पास वन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन क्या आती है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट सेट टू बी वन वोल्ट इफ वन जूल ऑफ वर्क, कितना वर्क हो रहा है वन जूल वर्क हो रहा है, किसको मूव करवाने में, वन कूलम चार्ज को मूव करवाने में, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आएगा वन वोल्ट, ठीक है। तो हम उस पोटेंशियल को वन वोल्ट कहेंगे अगर वन कूलम चार्ज मूव कर रहा है इन्फिनिटी से डेट पॉइंट, और कितना वर्क करना पड़ रहा है वन जूल वर्क करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ टू कूलम अक्रॉस टू पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, कि टू कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने में कितना वर्क लगता है, वो वर्क हमने निकालना है, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पहले वो क्वांटिटीज लिखो जो आपको गिवन है। चार्ज ऑफ टू कूलम, कितना चार्ज दिया हुआ है हमें टू कूलम, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं क्या, उसे क्या इज इक्वल टू टू कूलम। नेक्स्ट हमें क्या दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो डैट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज।
हमने क्या निकालना है, वर्क डन. सो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज. पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 12 वोल्ट एंड चार्ज हैज वैल्यू ऑफ 2 कूलम. ठीक है, सो वी गेट 24 जूल. जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दिस इज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बट इट्स सॉल्यूशन इज नॉट गिवन देयर, सो लेट्स डू इट. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. हर कूलम ऑफ चार्ज जो 6 वोल्ट बैटरी में से पास हो रहा है उसको पास होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितनी एनर्जी हमें देनी है उसको. तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है. क्या गिवन है पहले वो लिखो. ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो हमें चार्ज गिवन है कितना, 1 कूलम. ईच कूलम मीन्स 1 कूलम. पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी मीन्स पोटेंशियल इज गिवन. पोटेंशियल कितना गिवन है, 6 वोल्ट. एंड वी नो डैट एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क. सो वी नो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, वर्क एंड चार्जेस, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू. सो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, पोटेंशियल इंटू चार्ज. पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, 6 वोल्ट. चार्ज की क्या वैल्यू है, 1 कूलम. इनको हमने पुट किया यहाँ पे, तो हमारे पास वर्क आ गया 6 जूल. यही हमारे पास क्या है, एनर्जी है.